महाराष्ट्र में एक पावर प्रोजेक्ट को लेकर टाटा पावर और अडानी पावर में आमना सामना हो गया है। 7000 करोड़ का ये पावर प्रोजेक्ट अडानी पावर को दे दिया गया था, जिसके विरोध में टाटा पावर ने एप्लेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को एप्टेल ने खारिज कर दिया। इस याचिका में टाटा पावर ने इस प्रोजेक्ट को अडानी को दिए जाने पर सवाल उठाए थे। दरअसल महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ये पावर ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट अडानी पावर को नॉमिनेशन बेसिस पर दिया था। टाटा पावर को इसी पर आपत्ति है। नॉमिनेशन बेसिस का मतलब है कि बिना बोली मंगाए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना। टाटा पावर की दलील है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेंक्शन 63 और नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत 1000 मेगावाट का ये हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट कॉन्ट्रैक्ट ओपन बिडिंग के तहत दिया जाना चाहिए था। अब माना जा रहा है कि टाटा पावर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मार्च 2021 में ये पावर कॉन्ट्रैक्ट अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इंफ्रा को सौंपा था। ये अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड का 100% स्पेशल पेपर्स व्हीकल यानी SPV है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इंफ्रा का गठन ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए ही किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट का विरोध टाटा ही नहीं दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स ने भी किया है। इनका भी यही तर्क है कि बिना बोली मंगाए इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट अडानी की झोली में क्यों डाल दी गई। ये पहली दफा नहीं है जब सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट को बिना बोली मंगाए किसी खास कंपनी को सौंप दिया हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने हरियाणा से लेह के बीच इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का 18,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बिना बोली मंगाए ही पावर ग्रिड को सौंप दिया था। इस मामले पर भी कई प्राइवेट कंपनियों ने विरोध जताया था। अब सवाल इस बात का है कि आखिर बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बिना बोली मंगाए क्यों खास कंपनियों को सौंपे जा रहे हैं।